नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। यमुनानगर के गांव दड़वा माजरी की रहने वाली 20 वर्षीय निशा का 10 महीने पहले जम्मू के रहने वाले शामरू से प्रेम विवाह हुआ था। इसके कारण नवविवाहिता जम्मू से अपने पति और ससुराल वालों के साथ रहती थी। निशा 6 महीने की गर्भवती थी और उसका पति अक्सर उसे नशे की हालत में मारपीट करता था और उसे पैसों के लिए भी बार बार परेशान करता था। निशा का पति अक्सर हर तरह का नशा करता था और वो नशे की हालत में निशा को बार बार पैसों के लिए भी परेशान करता था। लेकिन निशा का ये प्रेम विवाह था। निशा यमुनानगर छोड़कर उसके साथ परिवार समेत जम्मू में रह रही थी। कुछ दिनों पहले नशे की हालत में निशा के पति ने निशा को दूसरी मंजिल से नीचे धक्का दे दिया, जिसके कारण उसके शरीर के बहुत सारे हिस्सों की हड्डियां टूट गई और वो मुश्किल से बच पाई। लेकिन परिवार वालों का कहना है कि उन्हें फ़ोन से सूचना मिली थी कि निशा मकान की छत से गिर गई है। निशा के पति ने अपनी सास को फ़ोन करके निशा को यहाँ से ले जाने के लिए भी कई बार कहा। निशा की सास ननंद और उसका देवर भी निशा के साथ मारपीट और अत्याचार करते थे। निशा की मां का कहना है कि अगर उन्हें उनकी बेटी से कोई शिकायत थी या वो उसे नहीं रखना चाहते थे तो वो उन्हें बोल देते कि वो अपनी बेटी को यहां से ले जाए, उसे मारने की क्या ज़रूरत थी। निशा के पति ने जानबूझकर निशा को दूसरी मंजिल से नीचे ज़बरदस्ती धक्का दे दिया। निशा के परिजनों ने बताया कि निशा कभी खुदकुशी करने जैसा कदम नहीं उठा सकती है। इस मामले की शिकायत परिजनों ने पुलिस को दे दी है। पीड़ित परिवार के लोगों ने जिले के डॉक्टर और पुलिस प्रशासन से इस मामले में इंसाफ की गुहार लगाई है। यमुनानगर से हमारे संवाददाता राजीव चौड़ी की रिपोर्ट। ये मेरी बेटी कहती थी जम्मू में बिल्डिंग से गिरती थी, बहुत ज़्यादा 3 मंजिल से, और फिर उसको सरकारी अस्पताल में उन्होंने बेकौर की थी। मेरी बेटी की कोई कदर नहीं थी हो रही थी। उधर से मैं गई, उनको फोन मारा, मेरी बेटी के साथ में तू भी चल। जुआई को बोला मैंने, वो बोलता तू चली जा, मेरा पापा मेरे से मना कर रहा है, तू जाती है जो तेरे को मारे। फिर हमने चुप करके अपनी बेटी को लेके आ गए। वो फैल पे भी नहीं उन्होंने साइन करने दिए, फैल भी ऐसे ही पकड़ा दिया हमें, और गाड़ी में बिठा कर वो पीछे से ये वो जो अस्पताल है उसके अंदर को बढ़ के पीछे से निकल के अपनी भाभी को हाथ पकड़ के चला गया। जब हाथ पकड़ के चला गया तो मेरी बेटी बोलती मेरे घर वाले को लेके साथ में चलोगे, मगर वो तो भाग गया। फिर हम ये तीन, एक मेरी बेटी, एक मैं और एक मेरा लड़का, ये हम अपनी बेटी को लेके आ गए। गाड़ी बोली, गाड़ी नहीं उन्होंने करी, हम अपनी गाड़ी करके लेके, उन्होंने बोला अपनी गाड़ी करके लेके अपनी बेटी को ले जाओ, ये कूड़ा कबाड़े हम नहीं रखने चाहते, हमको चिंका चरलाती है। तो हमको बहुत गुस्सा आता है इस पर। तो फिर हम ऐसी अपनी बेटी को अपने साथ में लेके आके इधर में अस्पताल में डाल दी। अस्पताल में हमने अपनी पूरी कोशिश की, हर अस्पताल वाले ने भी जवाब दे दिया, इसको बहुत सारा टूटी पड़ी है, इसको क्यों डाल रहे, इतना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो। हमने बोला मगर मेरी बेटी बच जाएगी और मेरे आगे बैठी रहेगी, मेरे को यही सब कुछ है, चाहे ना भी चलेगी मैं अपनी बेटी का सब कुछ कर लूँगी। फिर भी हमने पैसा उस पर लगाया, जितना उसको बेचारी के लगाना हमने उधार उठा उठा के भी लगाया। मैं मांगती हूँ मैं, और मेरे बच्चा कूड़ा चुकता है, कबाड़ चुकता है, और फिर भी हमने अपनी बेटी का इलाज नहीं छोड़ा है। इलाज करते करते भी वो 3 अस्पतालों में भी डाली है हमने, 3 अस्पतालों में भी वो पैसा लगा भी दिया, फिर बची भी नहीं है हमारी बेटी। तो कितना खर्चा गया था? हमको नसाब चाहिए, पैसा हम नहीं लेते, पैसा नहीं लेते हम, तो उनको जेल चाहते हैं, जो तो जेल में जाए नसाब करे हमारा। डेथ कहाँ हुई थी शादी? मेरी लड़की का नाम निशा है। कितनी उम्र है? 20 साल की है। तो शादी कहाँ हुई थी? शादी रिश्ता सारा कुछ उस उधर में कर रखा था उसका, मेरा ननदोई है वो। कहाँ हुई थी शादी? जम्मू में शादी करी थी। तो लड़के का क्या नाम है? जिससे शामुल। तो आपको क्या सूचना क्या आई थी निशा के बारे में? वो मार रहे थे, फोन कर रहे थे, 2-3 दिन के मार रहे थे। मैं उन्हें मना कर रहा, बेटा ऐसा नहीं मारना, जो नहीं मेरी बेटी रखनी यमुनानगर छोड़ जा, मैं अपनी बेटी को लेके आ जाऊंगी। वो बोलता मैं तेरी बेटी छोड़ के जा रहा हूँ, हम नहीं रखना चाहते इसको, लुच्ची बदमाश है ये, ऐसे बोला उन्होंने। फिर मैं बोला मैं अपनी बेटी ले आऊंगी, बेटा तुमसे कुछ नहीं लिया मैंने, मेरी बेटी मेरे को वापस कर दो, जो नहीं रखना चाहते तो मैं अपनी बेटी रख लूंगी, ऐसे मैंने बोला उनको। फिर उन्होंने क्या बोला, मैं तो हम तेरी बेटी छोड़ के जा रहा है। वो थोड़ी देर के बाद एक निशा नाम से हमारे पास बॉडी आई थी, जो कि 10 तारीख को रात को आई, उसके बाद मॉर्चरी में शिफ्ट हुई, उसके डॉक्यूमेंट्स भी आज तक पूरे नहीं हुए। अभी जम्मू से पुलिस आई है तो कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके आई है, और पता लग रहा है कि पहले जम्मू में एडमिट थी असॉल्ट की हिस्ट्री से, उसके बाद रामाकृष्णा हॉस्पिटल, उसके बाद ये किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, उसके बाद हमारे पास आई है, और फिर काम्बोज हॉस्पिटल से हमारे पास रेफर हुई हार्ट केयर से। तो अभी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर रहे हैं और उसके बाद फिर पोस्टमार्टम करके बॉडी हैंड ओवर कर दी जाए।
तो सर अभी क्या जानकारी मिल रही है बॉडी के बारे में कि कैसे? अभी तो हमें कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा, बाकी जो जो असॉल्ट हुआ है वो सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे हो जाए तो फिर बता पाए। तो सर जेके पुलिस से कुछ संपर्क हो रहा है? जेके पुलिस यहीं पे खड़ी है, हमारे पास आ चुके हैं, वो जो डॉक्यूमेंट्स लेके आए हैं कुछ पेंडिंग है उनको बता दिया है कि ये डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप पे मंगा लो, चल रहा है। इन्फॉर्मेशन मिली है कल PCR यमुनानगर से, एक डेथ है कि यहाँ पे कोई सस्पिशियस सर्कमस्टांस है, तो उससे रिलेटेड जो है बेसिकली रहने वाली जम्मू की है, उसकी शादी वहाँ होती है जम्मू में, उसी के चलते जो है हम उसका पोस्टमार्टम करवाने के लिए यहाँ पे आए हैं। इंक्वेस्ट हमें वहाँ इनिशिएट की इसके चलते हुए, तो उसी की इंक्वायरी के लिए। तो सर क्या नाम है और कितनी उम्र है? अभी नाम उसका निशु है, निशु नाम है, उम्र का अभी मैंने इनको बुलाया, डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोड्यूस करें, अभी डॉक्यूमेंट्स कोई इनके पास है नहीं, हो रही थी बताने में, बोल रहे कोई 20 साल उम्र की। तो सर सूचना क्या आई थी कि किस वजह से झगड़े से डेथ हुई या कोई? हमारे जम्मू में तो कोई हमें इन्फॉर्मेशन मिली नहीं इस रिलेटेड कि कोई क्या असॉल्ट केस है क्या है, वहाँ पर ये हॉस्पिटल भी गए हुए हैं लेकिन वहाँ पर ट्रीटमेंट करने के दो दिन एक दिन बाद ही निकल आए वहाँ से, पूरी फाइल वगैरह वहाँ पर कोई रिकॉर्ड भी नहीं है हमारे पास, उसके बाद यहाँ पर फर्दर ट्रीटमेंट करवाया है कहीं, तो उसके बाद यहीं पे इसकी डेथ हो गई है। डेथ होने के बाद फिर कल हमें इन्फॉर्मेशन मिली यहाँ से, उसी के रिगार्डिंग आए हैं। तो सर अभी फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए क्या किसी बोर्ड का? पोस्टमार्टम के लिए अभी जो वहाँ के डॉक्टर्स हैं, हमने एक बोर्ड ऑफ डॉक्टर बनाया हुआ है, वो बता रहे हैं कि हमें जितना भी है इसका मेडिकल रिकॉर्ड, जितना भी ट्रीटमेंट हुआ है वो सारा चाहिए। अभी हमारे जो साथ में थे मेरे साथी वगैरह, मैंने उनको भेज रखा है, मैंने बाकी हॉस्पिटल से जो रिकॉर्ड कलेक्ट किया जाए ताकि इसका जल्द से जल्द पोस्टमार्टम हो जाए, क्योंकि वैसे भी दो दिन हो गए तो जल्दी जल्दी पोस्टमार्टम हो जाएगा बॉडी का। तो सर जम्मू में इनका एड्रेस क्या है सर, कहाँ रहते हैं? एड्रेस इनका मुट्ठी आ रहा है जम्मू में, मुट्ठी करके नाम। तो हस्बैंड के खिलाफ कुछ अभी कार्रवाई की जा रही है? अभी तो हमारे पास सिर्फ यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली, कोई कंप्लेंट नहीं आई, कुछ नहीं आया इसके रिगार्डिंग क्या है, किस वजह से इसकी डेथ हुई। तो जैसे हमें यहाँ से मिला कि वहाँ की रहने वाली थी, इसकी डेथ हुई यहाँ पे हॉस्पिटल में, हमने इन्क्वेस्ट इनिशिएट की है अंडर सेक्शन 174 CRPC। हमारे पास कोई नाम बीच में नहीं आया, फिलहाल हम पोस्टमार्टम करा के उसके बाद इनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड होंगे इनके फैमिली मेम्बर्स के, तो जैसे इनके स्टेटमेंट होंगे उसके अकॉर्डिंग फिर एक्शन लिया जाएगा। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।